Guys, welcome back to our channel. This is Shivani. We make videos related to lifestyle, parenting, pregnancy, challenges, hauls, and a lot more. So if you are interested in that kind of a content, don't forget to subscribe to our channel. Also, uske paas jo bell icon hai, please wo press kar dena so that you get notified whenever we upload a new video. So, आज के वीडियो में हम लोग एक Amazon हॉल करने वाले हैं. सो ये सारी चीजें वो हैं जो मैंने लास्ट कुछ दिनों में बेसिकली इस महीने में मंगाई हैं. सो उसका मैं क्विक हॉल प्लस रिव्यू काइंड ऑफ देने वाली हूँ. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज ये पूरी देखना वीडियो. इसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा आपके काम की हो सकती है, इंटरेस्टिंग हो सकती है. सो मे बी आपको कुछ हेल्प हो जाए. सो प्लीज वॉच द वीडियो. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, मे बी इट कैन हेल्प देम टू. ऑल्सो लीव अ कॉमेंट कि आपकी फेवरेट चीज कौन सी थी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई कैटेगरी वाइज हॉल नहीं है, कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी है. जितना भी जो भी है सब डिफरेंट कैटेगरीज का है जो भी मैंने मंगाया है, और जो मेरे जैसे हाथ में आता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी. तो सबसे पहली चीज मैंने जो मंगाई है वो है ये. सो बेसिकली दिस इज अ सेट ऑफ 6 वाइंस. तो ये जो आप बैकड्रॉप में देख रहे हो ये जो बेल है मनी प्लांट की, दिस इज नॉट रियल ऑब्वियसली. तो ये मैंने मंगाई है और दिस इज माई सेकेंड परचेज, बिकॉज जो फर्स्ट वाला मैंने मंगाया था ये बहुत ही अच्छा निकला है. इट लुक्स वेरी रियल. ऑल्सो इट एड्स लॉट ऑफ ग्रीनरी इन योर हाउस, और आप इसको कहीं भी लगा सकते हो तो ये एक किसी भी स्पेस को बहुत ज्यादा अच्छा बना देता है. तो ये मैंने दोबारा से मंगाया, ये 6 के सेट में आती है, और ये एक बेल बहुत लंबी है तो मतलब बहुत अच्छे से पूरा एरिया कवर कर लेती है ये. तो इन सब के जो भी प्राइस है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, सो यू कैन चेक इट. ऑल्सो मैं इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो इफ यू वांट टू ऑर्डर समथिंग यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. सो ये इस तरह की 6 पीसेज आए हैं, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की भी है, बहुत रियल भी लगती है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एनीथिंग लाइक दिस, अपने किसी भी स्पेस को थोड़ा सा और ब्राइटन अप करने के लिए, ग्रीनरी एड करने के लिए, सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड परचेज. इसका यूज आप आगे आने वाली वीडियोस में देखने वाले हो कि मैं इसको और किस तरह से यूज करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. द सेकंड थिंग इज दिस. सो मैंने सोचा कि अभी मैंने एक ग्रीनरी दिखाई है तो मैं दोबारा से एक ग्रीनरी दिखा देती हूँ. सो दिस इज अ फेक मनी प्लांट जो मैंने मंगाया है अमेजोन से, एंड ट्रस्ट मी गाइज इट लुक्स सो रियल. ये इतना रियल लगता है, मतलब जस्ट लुक एट द क्वालिटी. इसको देख के कोई नहीं कह सकता अंटिल इसको छुए ना, मतलब मैं इतना पास से भी इसको देख रही हूँ तो इट लुक्स वेरी रियल. तो तब तक आप इसको छुओगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि ये फेक प्लांट है. और इसका जिस तरह से पॉट है और जिस तरह से अंदर इसको सब मिट्टी की तरह डाला हुआ है, इट लुक्स वेरी रियल. सो अगर आप किसी भी ऐसे फेक प्लांट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज यू कैन कंसिडर दिस प्लांट. बहुत अच्छा है, साइज भी अच्छा है, एंड सबसे मेन इसका प्राइस बहुत अफोर्डेबल लगा मुझे. तो वी ऑर्डर दिस वन. आई थिंक आई एम गोना ऑर्डर वन मोर, क्योंकि कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे मैं रियल प्लांट्स नहीं लगाना चाहती हूँ. मुझे लगता है शायद वो उतना ज्यादा मैं केयर ना कर पाऊँ जहां पे, तो उस जगह के लिए बहुत अच्छा है ये ऑप्शन. सो आई रियली लव. थर्ड थिंग इज दिस प्लांट जो ये आप यहाँ पे बैकड्रॉप में देख रहे हो. तो ये जो ऐसा बेल वाला प्लांट है, हैंगिंग प्लांट, ये मैंने मंगाया. दिस इज ऑल्सो फेक प्लांट. टू बी ऑनेस्ट ये उतना ज्यादा रियल नहीं लगता है देखने में, बट स्टिल मैं इस पे जब लगाती हूँ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है. इसको बहुत ज्यादा इसे ब्राइटन अप कर देता है स्पेस को. सो आई एम नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी मच, बट देन इट इज अ वेरी गुड परचेज, क्योंकि किसी कॉर्नर में रख के जब हैंगिंग प्लांट होता है तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है. सो इफ यू वॉन्ट एनी काइंड ऑफ हैंगिंग प्लांट देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस एज वेल. इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस. सो दिस इज एन एनर्जी ब्यूटी बार. फर्स्ट लेट मी शो यू द पैकेजिंग, इट्स सो गुड. तो ये इस तरह से बॉक्स में आता है, उसके बाद ये इस तरह से इसका एक पैकेट है, और उसके बाद ये एनर्जी बार है. सो व्हाट एग्जैक्टली इट डज इज, तो ये फेस मसाजेस के लिए अच्छा होता है. एंड ये इस तरह से यहाँ पे इसका ये बटन है जो इसको ऑन करना होता है. यहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट होती है एंड देन यू कैन जस्ट मसाज योर फेस. सो बेसिकली जब भी आप सिरम लगाते हो या मॉइस्चराइजर लगाते हो उसके बाद यू कैन जस्ट मसाज योर फेस, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा. सो इट हेल्प्स. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे मंगाने का मन था, प्लस इट्स वेरी 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 अफोर्डेबल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. इसका रिव्यू मैंने अपनी स्टोरीज पे भी शेयर किया था इंस्टाग्राम पे. सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी देयर प्लीज डू दैट. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो मुझे वहां पे फॉलो कर लो, मैं वहां पे बहुत कुछ डालती रहती हूँ. सो येस, दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली प्राइस के हिसाब से. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस मैक्रेमिक वॉल हैंगिंग.
सो नाउ इफ यू नो कि आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इस टाइप की मैक्रेमिक वॉल हैंगिंग, एंड ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉस्टली आती है, बट मैंने इसको ये अमेजोन से मंगाया है. टू बी ऑनेस्ट मतलब ये ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसे भरी हुई टाइप नहीं है, और फिनिशिंग आई वुड से कि ठीक है प्राइस वाइज, क्योंकि ये मुझे बहुत सस्ते में मिला था अमेजोन पे. क्योंकि नॉर्मली मैं जब इंस्टाग्राम पे चेक कर रही थी या फिर कहीं और चेक कर रही थी तो मुझे बहुत कॉस्टली मिल रहे थे, बट ये मुझे बहुत सस्ते में मिल गया था तो मैंने ले लिया. सो आई गॉट दिस वॉल हैंगिंग. अब इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये इस वॉल हैंगिंग के साथ एक लाइट भी आई थी, विच इज दिस लाइट जो मैंने यहाँ पे बैकड्रॉप में यूज कर रखी है, तो आप इसको इसमें लगा सकते हो. एसी के साथ आई थी एंड इट लुक्स सो ड्रीमी एट नाइट, ये बहुत प्यारा लगता है. प्रोडक्ट इज अगेन अ वॉल हैंगिंग, मैक्रमे वॉल हैंगिंग. सो ये है, ये एक्चुअली प्लांटर हैंग करने के लिए है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, और इसकी फिनिशिंग एक्चुअली काफ़ी अच्छी है. तो ये और ये वाला जो है मैंने वो साथ में मंगाया था, और इन दोनों को मैं एक ही वॉल पे लगाती हूँ तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. उसकी वीडियो मैं यहाँ पे डाल दूंगी, आप देख सकते हो. सो बेसिकली व्हाट आई डू इज मैं ये वाला प्लांटर इसमें लगाती हूँ और उसके बाद मैं इसको हैंग करती हूँ. सो इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल और स्पेस को बहुत अच्छा लुक दे देता है. सो आपने बहुत जगह देखे होंगे. सो येस यू कैन परचेज दिस इन ऑन अमेजोन एज वेल, एंड काफी ज्यादा रिजनेबल प्राइस में है अमेजोन पे. नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज सो गुड. लाइक टू बी ऑनेस्ट हमने ये मंची के लिए मंगाया था क्योंकि मैं चाहती थी कि उसके लिए मतलब एक्चुअली मैं बहुत टाइम से चाहती थी मंची के लिए ये लेना, बट देन उसके बाद हमने फाइनली अब लिया. इट्स बीन ओवर अ मंथ नाउ, नॉट ओवर अ मंथ, इट्स बीन अ मंथ नाउ. बट मंची से बहुत ज़्यादा डरती है तो मंची इसको एंजॉय नहीं करती, बट मैं और मोहित इसको बहुत एंजॉय करते हैं, लाइक लिटरली बहुत एंजॉय करते हैं. सो दिस इज दिस लैम्प. सो नाउ स्पेशल क्या है इसमें, तो बेसिकली यहाँ पे खुलता है एंड इफ यू कैन सी यहाँ पे ऐसे स्टार्स एंड मून बना हुआ है यहाँ पे. सो इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शनिंग है, लाइट जलती है, अभी आपको दिखाई नहीं देगी बट आई पुट अ वीडियो. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज कि इसमें बहुत अलग अलग तरह की लाइट जलती है और ये पूरे रूम को एक प्यारा सा गैलेक्सी रूम में कन्वर्ट कर देता है, एंड वी रियली रियली लव इट एट नाइट. बहुत ही प्यारा लगता है इसका व्यू. सो अभी तो मंची एक्चुअली जब थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा नहीं होता तब मन जिसको फिर भी एंजॉय करती है, बट अंधेरे में उसको थोड़ा शायद डर लग जाता है क्योंकि उसने ऐसा कभी देखा नहीं है. सो या दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. उसके अलावा बेस्ट पार्ट है कि इसके साथ पिक्चर्स बहुत ही अच्छी आती है, लाइक बहुत ही अच्छी आती है. तो येस आई रियली लव दिस प्रोडक्ट एंड आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड इट, क्योंकि रात में इसके एटमोसफेयर बहुत अच्छा बना देती है. इज़ वेरी वेरी यूजफुल प्रोडक्ट. तो जिसके पास भी ऐसा है कि अलमारी में जगह कम है और उसको एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, जो कि मेरे साथ हमेशा होता है, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे. सो बेसिकली ये है ऑर्गेनाइजर और इस टाइप का 6 का सेट आया था, तो एक बड़ा था और बाकी इस वाले साइज के थे. अभी मैं दो ही लेके आई हूँ, आई एम ऑलरेडी यूजिंग इट, बट मैं उसका वीडियो यहाँ पे डाल दूंगी. सो बेसिकली ये 6 का सेट आया था एंड इट्स वेरी वेरी गुड क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी है, ऊपर से ये सुंदर भी बहुत लगते हैं. सो बेसिकली जो पूरा स्पेस है मेरा इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका है. सब में मैं अलग अलग कैटेगरी की चीज़ रखती हूँ, एक में शॉर्ट्स रखती हूँ, एक में कुर्तीज रखती हूँ, एक में टॉप्स रखती हूँ. सो इस तरह से मैं इसको मैनेज करती हूँ. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑर्गेनाइजर, अच्छी क्वालिटी भी है और अलमीरा बहुत ही सिमटी हुई लगती है, इसे फैली हुई नहीं लगती, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा स्पेस सेव हो गया है इनसे, एंड आई एम रियली रियली लविंग दिस प्रोडक्ट. सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस एज वेल. अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है कुछ भी, एक्चुअली नॉट कपड़े बट एक्चुअली कुछ भी ऑर्गेनाइज करना है, तो दिस इज अ ग्रेट ग्रेट बाय. नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट इज दिस. सो बेसिकली Let me show you. So this is a jute bag, not bag actually. I think this is a planter. So basically आप इसको किसी भी तरह से use कर सकते हो, बहुत ही multi-purpose use है. आजकल ये बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी aesthetically pleasing लगते हैं. So आप इसको काफ़ी तरीके से use कर सकते हो, आप इसमें throw डाल सकते हो और अपने सोफे के पास रख के आप इसको planter बना सकते हो, या फिर anything you would like to do, काफ़ी सारा तरीके से styling हो सकती है इसकी. But मैंने इसको क्यों खरीदा, मैं इसको वॉशरूम में यूज़ करती हूँ, तो बेसिकली मैं इसमें सारे टॉवल्स रखती हूँ अपने मोहित के मंची के, तो सारे टॉवल्स इसमें रोल होके रहते हैं. सो जब से हमने नए घर में शिफ्ट किया है, आई वांटेड कि मेरे को बाथरूम सबसे ज़्यादा अच्छा चाहिए, मतलब बहुत ब्यूटीफुल सा मुझे इसको डेकोर करना था, तो मैं ऑलरेडी इसका मेकओवर कर चुकी हूँ.
सो बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट मैं सुबह उठते ही सबसे पहले वॉशरूम में जाती हूँ, तो ऑब्वियसली आई वॉन्टेड कि वो जगह सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल सी हो, अच्छी सी हो, मतलब सुबह घुसते ही अच्छी वाली फील आए, तो इसलिए मैंने उसको काफ़ी अच्छे से मेकओवर किया है, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जाके, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ, बट यू कैन यूज़ इट लाइक सो मेनी पर्पसेस. और ये टू बी ऑनेस्ट फिनिशिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी बिकॉज ऑब्वियसली ये जो सूतली होती है उससे बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा ऐसे रफ है, थोड़ा सा चुभना टाइप होता है ना वैसा है, बट आई थिंक इट लुक्स वेरी वेरी गुड. ऑल्सो ये बहुत रीजनेबल लगा मुझे प्राइस के हिसाब से, क्योंकि मैंने और भी काफ़ी जगह देखे थे और ये काफ़ी कॉस्टली थे, तो अमेजोन में मुझे बहुत सस्ता मिल गया था, तो आई गॉट इट. सो इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ थिंग, सो यू कैन चेक द लिंक इन द बिलो एंड यू कैन बाय इट. नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट इज अ वेरी वेरी यूजफुल प्रोडक्ट, और अगर आपको भी पसंद है फोटोज क्लिक करना, वीडियोज बनाना, तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है इज दिस. अब ये छोटा सा प्रोडक्ट क्या है, लेट मी टेल यू. सो बेसिकली दिस इज अ मोबाइल शटर, इसको बोलते हैं. तो बेसिकली ये क्या होता है कि ब्लूटूथ डिवाइस की तरह इसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने ब्लूटूथ से, फोन से, एंड देन यू कैन क्लिक योर पिक्चर्स इसको हाथ में रखिए, तो आप अपने फोन को साइड में रखिए, वीडियोज बना सकते हो, फोटोज क्लिक कर सकते हो. इवन अगर आपको सेल्फ पोर्ट्रेट का बहुत ज्यादा शौक है अगर आपको सेल्फ पोर्ट्रेट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप इसको ले सकते हो. दिस इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट और रीजनेबल भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. जब हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं या फोटोज़ क्लिक करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है इसके. नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट इज दिस. सो दिस इज़ अ ग्लू गन, वेरी वेरी बेसिक प्रोडक्ट, ऑब्वियसली सबको पता है ग्लू गन के बारे में, बट मैं ये क्यों दिखा रही हूँ, द ओनली रीज़न इज कि फर्स्ट ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, बहुत छोटू सी है और बहुत लाइट वेट है, लाइक बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. और उसके अलावा जो बेस्ट चीज़ है वो ये, इसके साथ ये सब फ्री आया है, लाइक फ्री तो मतलब क्या ही बोलूँ, चार्ज तो किया ही उन लोगों ने, बट एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल थी. अदरवाइज मुझे ऐसा लगता था कि ग्लू गन बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती हैं, बट ये मुझे काफ़ी सही डील में मिल गई थी. ऑल्सो इसके साथ बहुत सारी ग्लू गन आई है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसके साथ ऐसे स्पार्कल वाली ग्लू गन आई है, सी. सो ये काफ़ी सारी ऐसे, लेट मी शो यू, ऐसे ये स्पार्कल वाली ग्लू गन्स आई हैं, एंड देन उसके बाद ऐसे नॉर्मल कलर्स की ग्लू गन आई हैं, एंड देन सिंपल सॉरी ग्लू गन कह रही हूँ मैं, ऐसे ग्लू आए हैं स्पार्कल वाले, उसके बाद ऐसे कलर वाले ग्लू आए हैं, एंड देन ये नॉर्मल ग्लू आए हैं. सो बेसिकली बहुत सारे ग्लू आए हैं इसके साथ, विच इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग पार्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. टू बी ऑनेस्ट अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया एक बार भी, क्योंकि अभी तक मुझे कुछ काम नहीं पड़ा, बट अभी मैं रिसेंटली इसको यूज़ करने वाली हूँ. सो इसका आई थिंक अगर जो भी होता है इसका रिव्यू मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हो कि जैसा भी ये वर्क करेगा, बट मुझे प्राइस के हिसाब से और जो इसके साथ आया है उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छी डील लगी है. नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट इज दिस. सो ये भी मेरे बैकड्रॉप में है, एक्चुअली जो भी मैंने मंगाया है वो थोड़ा सा बैकड्रॉप के पर्पज से मंगाया है, तो ये भी अभी मेरे बैकड्रॉप पे है. सो दीज आर द लाइट्स, और ये बहुत ब्यूटीफुल लाइट्स हैं. सो बेसिकली ये फ्लावर्स की तरह दिखती हैं, और उसके बीच में लाइट्स है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें सिर्फ 10 फ्लावर्स आते हैं, स्टिल दिस लुक्स सो गुड. तो आप इसको भी काफ़ी तरीके से स्टाइल कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है, देन मैं इसको यहाँ पे लगाती हूँ, तो भी ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है. उसके अलावा मैं इसको एक बास में अगर एक सिर्फ फ्लावर्स की तरह लगा देती हूँ, तो भी ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है. सो इट्स अ वेरी वेरी मल्टीपर्पज़ लाइट, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है. मुझे थोड़ी सी कॉस्टली लगी है, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 फ्लावर्स हैं, और उसके हिसाब से जिसका प्राइस है मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा, बट द वे इट लुक्स इट्स सो गुड, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. प्रोडक्ट दैट आई बॉट इज अ लिटिल बिग प्रोडक्ट, लेट मी शो यू. सो दिस इज, मैं तो दिख ही नहीं रही, सो दिस इज व्हाट आई गॉट. सो ये वुडन का है, सो ये वुडन का है, और बेसिकली ये आप इसको स्टाइल किसी भी तरीके से कर सकते हो, रख सकते हो डेकोरेशन में. आप इस पर सबसे ज़्यादा ये एक्चुअली काम आता है कि आप इसमें प्लांट्स रख सकते हो, तो ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगता है. ये मैंने किस लिए मंगाया है ये आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पता चलेगा. आई थिंक इसके बाद सीधा वही वीडियो आएगी, होपफुली, अगर और कुछ गड़बड़ नहीं होती है तो, बट अगर नेक्स्ट भी नहीं आई तो आ ही जाएगी एक दो हफ्ते में. सो यस, आई गॉट
दिस और ये बहुत अच्छा है और सबसे मेन इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है क्योंकि ऑब्वियसली ये वुड का है तो काफी अच्छा है, बट इसका प्राइस उससे भी ज्यादा अमेजिंग है। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा था इस प्राइस में, ये चीज बहुत ही अमेजिंग है और ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसको काफी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। सो आई रियली रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, इसको मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी अगर आप अपने घर का कुछ भी डेकोरेशन कर रहे हो तो। बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्यूट सा प्रोडक्ट है क्योंकि बहुत छोटू सी है ये, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बट प्राइस के हिसाब से दिस इज सो गुड। ओके सो दीज वर द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव परचेज, तो यही सब थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स थे। लेट मी नो, मैं सोच रही हूँ कि अमेजोन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें हम लोग खरीदते रहते हैं। सो अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसी पूरी सीरीज बनाऊँ एवरी मंथ द प्रोडक्ट्स आई बॉट फ्रॉम अमेजोन, देन प्लीज डू लेट मी नो। मे बी आपको कुछ नया प्रोडक्ट पता चल जाए और आपको कुछ हेल्प मिल जाए, सो वी कैन डू दैट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो। एंड प्लीज कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा था। लव टू रीड योर कमेंट्स। नाउ विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।